क्या आपको पता आगे क्या होगा? पता है? बिल्कुल नहीं पता। मुझे पता, आपको नहीं पता? अच्छा यही होगा, ये पता था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी और तो देखो। तू बलून बना होता है रबड़ का, सबको पता है। और अब की बार यहाँ पे जो मेरे पास रबड़ का बलून है वो है ये। और अब क्या होगा? इसके अंदर ठंडा ठंडा पानी भरा, आपको पता है? नो no! मुझे पता, आपको ये भी नहीं पता है। अबे साले, और अगर इस हॉट वाटर बैग दिनेश कोल्ड वाटर बैग के सामने लगा दिवालिया ना, तब तो आपको पक्का पता है क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता, आपको ये भी नहीं पता। तो आज किस वीडियो में हम लोग यही सब देखने वाले हैं। कोल्ड वाटर बैग जो कि बना है मजबूत रबड़ से और उसके अंदर भरा ठंडा ठंडा पानी, तो क्या दिवालिया ना इसके आरपार होल्ड कर पाएगा या नहीं? सबसे पहले फुलझड़ी मैदान पे आई है, देखते हैं गुब्बारे फटेंगे या नहीं। बिल्कुल फटेंगे। लेकिन अब इसमें है थोड़ा सा पानी। अबे फट गया भाई एक बार फिर से। अभी तक रोक लिया। तो अब मैदान पे है सिल्वर लैंड टॉर्च वर्सेस हवा वाले बलून वर्सेस वाटर वाले बलून। इन वाटर बलून में फुल वाटर है, देखते हैं क्या होता है। ओ ओ वाह भाई, इतनी जल्दी निपट गई। उई उई उई, अरे बंद हो जाओ, जो बंद ही नहीं हो रही। ये देखो सिल्वर लैंड टॉर्च का कमाल, ये पानी के अंदर भी नहीं बंद हो रही है, गुप्पू गुप्पू मचाए और पानी से निकल के भी जल रही है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम सिंपली आग ले जा रहे थे बलून के नीचे पानी भरे, तो इतनी आसानी से नहीं फूट रहा था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आग थी। लेकिन जब सिल्वर लैंड टॉर्चेस की चिंगारी गिर रही थी तो वो बलून तुरंत फूटा जा रहा था, चाहे वो पानी से ही भरा क्यों ना, क्योंकि जो ये पटाखे होते हैं उनके अंदर थोड़ा मेटल का पार्ट होता है, इसके अंदर एल्युमिनियम मेटल रहा होगा जो कि मेल्ट होकर बलून पे गिर रहा था, और जिसकी वजह से बलून तुरंत ख़त्म, पानी क्यों ना भरा उसके अंदर। तो फाइनली अब टक्कर देने वाला है हॉट वाटर बलून, बोलते हैं नहीं बैग, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं एकदम ठंडा ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी, तभी तो मज़ा आएगा। ये देखो, और इस पानी का तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, तो इस बैग को पहले से ज़्यादा पावर मिल सकती है, ऐसा मुझे उम्मीद है। वाव, आह ओ भाई बहुत ठंडा भरेगा यार इसका। फुल थोड़ी वर्सेस हमारा हॉट वाटर बैग, सॉरी कोल्ड वाटर बैग। ये देखो क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, आगे आग लगी थी। तो मुझे तो लगता है कि भाई हॉट वाटर बैग तो सिल्वर लैंड टॉर्च से निपट जाएगा, और ये हॉट वाटर बैग फुलझड़ी के प्रकोप से तो बच गया। अभी भी उतना ही मजबूत लग रहा है। चलो अब इसके सामने आ रही है सिल्वर लैंड टॉर्च। सिल्वर लैंड टॉर्च वर्सेस हमारा हॉट वाटर बैग, अरे यार कोल्ड वाटर बैग। ओ फूटेगा नहीं फूटेगा। ओ ये क्या था? ओ ये क्या था? अरे भाई साहब, वाह इसमें तो आग लगी जा रही है। लेकिन अभी भी नहीं फूटा है, अभी भी नहीं फूटा है। और यहाँ पे ओ भाई अभी भी नहीं फूटा। और ये क्या है, ये क्या है? इसकी लाइनिंग टूट टूट के गिर रही है। वाह
ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसकी लाइनें जल गई हैं लेकिन बैक अभी भी मजबूत है। वाओ, तो अब की फिर से एक सिल्वर एंड टॉर्च है, लेकिन अब की बार हम लोग ऐसे ऐसे उसकी आरती नहीं उतारेंगे, सिर्फ एक जगह पॉइंट रखेंगे। ये बैग नया है या वही, आप लोग कमेंट में बताना। वो अगर ये बच गया तो समझ लो कमाल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि सिल्वर लैंड टॉस के आगे कभी ना जलने वाली हुई भी नहीं बच पाई थी, और अभी तक ये सर्वाइव कर ले गई। अभी तक ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। कोई भी होल नहीं भाई, कोई भी होल नहीं है। कैसे होगा ऐसा, कैसे होगा? ऊपर अभी देखो, अभी क्लिप देखो। ओ तो भट्टी में लगने वाली हुई जो 2500 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह लेती है, उसमें सिल्वर लैंड टॉस ने होल कर दिया था, और यहाँ पे ये चुन्नू मुन्नू 150-200 का बैग जिसमें से पानी भरा है, इसमें होल नहीं हुआ। अब तो पक्का अनार लगाना बनता है। तो फाइनली क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? फटेगा नहीं फटेगा? और यहाँ पे चक्कर चल रही है। क्या हुआ, फटा कि नहीं फटा? होल हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक चुन्नू सा होल ही हो पाया, बस चुन्नू सा होल। 3.5 वर्सेस न्यू कोल्ड वाटर बैग। फाइनली, अरे अरे अरे, गुस्सा मत। 3 अनारों ने इसकी वॉट लगा ही दी। से बसा तो कुछ ऐसा होता है, हॉट वाटर बलून के अंदर कोल्ड वाटर भर के उसके अंदर अनार और सिल्वर टॉस लगाने पर ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सहन सकती थी अपने उस कॉटन के मुकाबले। भाई अगर आपको आज का वीडियो मस्त लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दबा देना, और इंस्टाग्राम में बहुत ही मस्त गिवअवे आने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, वहाँ पे मैं सब कुछ बताया हुआ है कैसे क्या करना है और क्या होने वाला है।